चढ़ाई पाकिया पढ़ा। ये बाबा हुजूर का पैदाइशी कमरा, पैदाइशी कमरे में पैदा हुए हैं। ये बाबा हुजूर की नालायन मुबारक रखी हुई है। वरहमत मैं हूँ आपका अकबर अहमद, स्वागत है हमारा अपने YouTube चैनल पे। तो आज है बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, तो हम जा रहे हैं उर्स में। तो हमने कहा अम्मी से शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की, है ना अम्मी? बिल्कुल अम्मी के लिए दुआ, अम्मी क्या सब आँखों के लिए दुआ करना। हाँ बस आँखों से अम्मी हमारी थोड़ी सी मोहताज है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हमारी बहुत अच्छी हैं, तबीयत भी अच्छी है, बस आँखों की वजह से थोड़ा सा जो है। तो अब कहना कि इंसान की जब आँखें कमज़ोर होती हैं तो फिर थोड़ा सा और भी चीज़ें में बहुत फ़र्क आता है। तो ये है, तो हम निकल रहे हैं, तो हमने कहा अम्मी को ले लिया, अम्मी के लिए दुआ भी करेंगे ना। मेरी मम्मी खुश रहे, जहाँ साथ खरी जाना, साथ खरी साथ अच्छे से आएंगे, बिस्मिल्लाह करके बैठना। बिल्कुल, आप लोग भी अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखा करो, हम तो कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके हम ख्याल रखें। अम्मी क्या अम्मी, कोई शिकायत तो नहीं है हमसे? नहीं, सबसे प्यारे बच्चे। तो अब हम निकलते हैं, और हम चूँकि कपड़े कम लाए हैं, पहले सोचा कि वाइट हम कुर्ता पजामा पहन लें, फिर हमने कहा कि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, तो हमने थोड़ी मोटी है तो हमने ये पहन ली, लेकिन इसके साथ हमने जीन्स हमने चेंज कर दी, हमने ब्लू वाली पहनी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, एंड कोशिश करेंगे आपको कि हम रूट और जो भी रेट होगा वो भी बताते हुए चले। 17-14 पड़ेंगे ई रिक्शा, बैठ गए। तो भाई अभी हम आ गए हैं मलिकपुर चौराहा, और यहाँ से हम सीधे जाएंगे बड़े चौराहा। मैं आ गया हूँ बड़े चौराहा, और अल्ट्रा चौराहा से मेरा बड़े चौराहा तक 10 रुपये ई रिक्शे का लगा है, और अब हम यहाँ पे बड़े चौराहा से चेंज करेंगे कमरिया के लिए। अस्सलाम हरियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तजा निकल मेला जा रहे हैं, मेले ही जा रहे हूँ भाई, और ये पूरा इंतजाम कर रखा है। आगे से जो है ना, अगर आप आ रहे हो तो आपको आगे से ऑटो मिल जाएगा, अब ऑटो आई थिंक 20 रुपया लेता है आपका बड़े चौराहे से कमरिया तक, तो हम भी अपनी ऑटो ले लेते हैं। और देखिए कोई एक सवारी वाला है नहीं, कमरिया कमरिया हाँ बैठो पीछे ना बैठी हूँ भैया, पसंद ही कुल बना चुका हूँ। हम कमरिया के हमको ऑटो मिल गई है, हम पहुँच गए हैं बड़े चौराहे से, यहाँ तक मेरा ऑटो का लगा 20-30 रुपये में, हम मोहताज से कमरिया पहुँच गए, और हम अभी माचा गेट पे, सामने गेट बहुत अच्छा सजा हुआ है, ये आपका माचा गेट, यहाँ से हम कमरिया के लिए एंटर करेंगे जी। चलो बढ़िया है, इंतजाम बढ़िया है, वेलकम है आपका बहुत बहुत शरीफ में जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लंगर में चाय मिल रही है, कल में कलो हाथ में न गिरा देना। हाँ भैया सब लोग चाय पियो, बाबा का लंगर मिल जाएंगे गन्ने। होशियारी शरीफ से हमारे भाई और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और सब बढ़िया। अरे मोदहा की भी टीम है, और माचा गेट से आपका कमरिया तक हमारा पैदल जाना होता है, क्योंकि माचा गेट से आप एंट्री आगे नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बाइक से अलाउ हो जाते हैं कभी कभी, ऑटो या कार वगैरह वहीं आपको खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो सारे लोग पैदल लोग मतलब सब जा रहे हैं, जाते वक्त हमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मिल रहे हैं जो मतलब बोल तो दे रहे, लेकिन क्या अकबर अहमद जा रहा है, मेरे की हो चुकी है शुरुआत, और तमाम जो आपके घरेलू चीजें हैं, गन्ने हैं, ये सब यहाँ से मिलने लगेगा, बच्चों के खेलने का सामान है। अस्सलाम वालेकुम खैरियत खान, कवर कर रहे मेला है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ पे हो रहा है लंगर जो पूरे टाइम चलता है, वहाँ आदमी बैठे हैं, यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, और ये देखिए लंगर में आपका दाल चा और नान है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह। पिछले साल भी इसी मौके पे, इसी वक्त और यहीं पे मुलाकात हुई थी, जिंदगी रहेगी अकबर से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अकबर नहीं आया मेले में, चलिए भाई लोग भी आ गए। मोदहा में कुछ हो और आपका भाई वहाँ पे हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी आपका बाबा निजामी रहमतुल्लाह अलैह के लंगर का इंतजाम है, क्या है भाई पानी थोड़ा सा आधा गिलास दीजिएगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय मिल रही है, अभी ट्राई करते हैं चाय आगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए, जितने भी सब्सक्राइबर हैं एंड फैन, सबसे मुलाकात हो गई ये सारे, और मजा आ रहा है जी जी। चलो बहुत बढ़िया जो है, और हजरत बताएं बोलिए मेला बढ़िया, चादर से होके आए हैं अभी, अभी चादर चढ़ी अकादमी की। चलिए माशाल्लाह, तो अब अभी जाते हैं ज़ियारत करते हैं हम भी, हम तो होके आए, ये हमारे लाला मुन्ना भाई साहब हैं, चादर चढ़ाई पाकिया पढ़ा। चलिए बढ़िया लग रहा है वहाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, बस वहीं जा रहे हैं, पहली हाजिरी वहीं होगी इंशाल्लाह। खाया किस मसाला है, नहीं खराब लग रहा होगा, थोड़ा कम रहा चाउर का
बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। जो है सबसे पहले हम चलते हैं, हाजिरी लगाते हैं। पहला दिन है इसलिए मेला थोड़ा सा कम मुझे भरा हुआ लग रहा है। हाँ भाई, हमारा बांदा वाला हलवा है ना, क्या रुपए किलो है ये वाला? 100 रुपए किलो। यहाँ बाद यहाँ कमरिया में जस्ट अभी एंटर कर रहा हूँ। सब बढ़िया। तो सस्पेंस मार दे, आँख मार दो। हम पहुंच गए हैं हजरत बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह की दरगाह, जो उत्तर प्रदेश के ज़िला हमीरपुर कस्बा मौदहा से 3 से 4 किलोमीटर दूर कमरिया गांव में पड़ता है, जिसे लोग कमरिया शरीफ के नाम से भी जानते हैं। आपका पूरा नाम ख्वाजा अब्दुल्ला शाह बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह है। आपकी तालीम के बारे में बात करें तो आप पहले से पैदाइशी बहुत पढ़े लिखे थे। आपकी पैदाइश 1859 में कमरिया शरीफ में हुई। आपके वालिद साहब का नाम शेख गाजी व आपकी वालिदा का नाम बिठुल था। आपके पीर मुर्शिद का नाम हज़रत ख्वाजा सूफी नूर मोहम्मद चिश्ती, और इस तरह से आपका सिलसिला हज़रत ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। आपकी करामातों में बहुत सारी करामातें हैं, और एक करामात हुआ क्या ये है कि छतरपुर से एक बस आती जिसमें तकरीबन 20 औरतें हैं और बाबा के दरबार में हाजिर होती हैं। पहली औरत से पूछते हैं कि कहे के लिए आई हो, क्या चाहिए? तो कहते बाबा मुरे औलाद नहीं, हमें औलाद चाहिए। तो आप एक तावीज़ लिखते हैं और फरमाते हैं इसको पहन लेना। इसके बाद दूसरी औरत से पूछते हैं, ऐसे करके सारी ही औरतों की एक ही ख्वाहिश थी कि औलाद। तो बाबा कहते हैं कि कहे हमने फैक्ट्री खोल लेने का, तो सब बड़ी उदास हो जाती हैं। सब कहते हैं बाबा जो भी आता है मायूस नहीं जाता। आप फरमाते हैं जाओ मस्तान शाह के तलैया में गुसल कर लेना और तहज्जुद बादाना। और आप अपने मुरीद से फरमाते हैं कि सवा शेर की खिचड़ी बना लो। वो औरतें तहज्जुद बाद आती हैं और आप खिचड़ी खिलाते हैं, और साल भर बाद वो दोबारा से हाजिर होती हैं और सबकी गोद में माशाल्लाह से औलाद होती है और सब साहिब औलाद हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी करामातें हैं बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की। अभी हम दरगाह में हैं और अभी हम जा रहे हैं छत से, आपको दरगाह का प्रॉपर व्यू दिखाते हैं। हमने भी ज़ियारत कर ली है, आपको भी ज़ियारत करा दी है। हम चलते हैं बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह के घर मुबारक पे, जहाँ पे उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें रखी हैं, उनकी भी ज़ियारत कराते हैं आपको। सब बढ़िया। दरगाह जो है तो क्या बोलते हैं, सजाई गई है, पूरे ताज़े फ्लावर हैं और ओरिजिनल हैं। ये सारे कहाँ से आए हैं फ्लावर? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, ये सब दिल्ली से आए हैं, माशाल्लाह। दरगाह के अंदर जो है ना, इनसे पूरे जो आपको डेकोरेशन मैंने दिखाया, इनसे पूरा जो है तो दरगाह सजाया गया है। सारे दिल्ली से आए हैं और एकदम ताज़े फ्रेश फूल है, माशाल्लाह से। कितना प्यारा नज़ारा है। छत पे आ गए हैं, छत से आपको ज़ियारत कराई, और अब यहाँ से निकलते हैं बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के घर मुबारक पे, जहाँ पे उनके इस्तेमाल, उनका पलग, उनकी सदरी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी इस्तेमाल की थी, उनकी ज़ियारत कराते हैं आपको। आपसे मुलाकात हो जाती है जब होती है? हाँ, मुलाकात हुई है ना आपसे, मेले में मिले थे होंगे। चलो बहुत अच्छा लगा आपकी बहुत बड़ी फैन। अच्छा, ये सारे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, थैंक यू सो मच, सारे हमारे बिग फैंस हैं। कैसे मोहल्ला में आपका जो है बाबा निज़ामी रहमतुल्लाह का घर मुबारक है, जहाँ पे आप रहे? ये तो पहले हम यहाँ पे तकरीबन कितने साल, 100 साल तो पुराना होगा, 60 साल तो बाबा बुजुर्ग को पर्दा किए हो गए, उससे पहले का घर है। बाबा बुजुर्ग की पैदाइशी घर है ये, पैदाइशी। आप यहाँ पैदा हुए थे, इसी कमरे में आप पैदा हुए थे, इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में आप पैदा हुए, माशाल्लाह। ये बाबा बुजुर्ग का पैदाइशी कमरा, पैदाइशी कमरे में पैदा हुए है। ये बाबा बुजुर्ग की नालायन मुबारक रखी हुई है, ये बाबा हुजूर की चौकी बैठने वाली है, ये आपका हुक्का मुबारक है, ये आपका लोटा है वजू करने वाला, और ये आपका पीकदान है, पीकदान है। हाँ, और ये आप इस पलंग में आपने पर्दा फरमाया था, माशाल्लाह। तो देखिए सब कितने किस्मत वाले हैं हम और जितने जो लोग भी देख रहे हैं। और ये आपकी छड़ी मुबारक है, और ये आपके बाल मुबारक है, चेहरे के दाढ़ी के बाल मुबारक। और ये आप जब गुस्ल कराया गया था, जब पर्दा किया था, ये साबुन जी जो है, तो ये आपकी टोपी मुबारक है, टोपी है जी। तो मतलब कि सारी चीजें जो हैं, हाँ, ये अभी सलामत हैं, सलामत हैं और रखी हुई हैं और प्रॉपर देख रेख हो रही है। हाँ। तो ये वही कमरा है जहाँ पे आप जो है तो पैदा हुए, और तकरीबन इसी कमरे के अंदर पैदा हुए, इसी कमरे के अंदर पैदा हुए। तकरीबन ये 100, मुझे लगता है कि 150 से ऊपर है, 200 से ऊपर, 61 साल बाबा हुजूर को पर्दा किए हो गए, 100 साल से ज्यादा लगभग आपकी उम्र थी, बिल्कुल ठीक है।
और ये आपके अब्बा हुजूर का बनवाया हुआ है, तो इसका मतलब 200 साल से ऊपर ये लकड़ी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी जो है इसकी केयर हो रही है, तो अभी देखिए पूरे अपने असली हालात में है, जिस हालात में ये जो तो मकान था। और ये हजरत हमारे बैठे हैं, और ये देखिए ये लकड़ी जो है ये पूरा 200-250 साल पुराना है, ये अटरिया बोलते थे, अटरा जो बना हुआ है। तो ये देखिए एक दो और ये आपका तीन ये कमरे हैं, तो ये आज से 200-250 साल पुराना है, आपके पैदाइशी आपका कमरा वो है जो आपको दिखाया। जो फैमिली ही है बाबा ने की फैमिली है, फैमिली है पूरी जो है, नातिन है, ये दामाद है आपके, चलिए माशाल्लाह ये भी नातिन है, बैठिए। और आप कौन है, क्या नाम है आपका? हाँ भैया उमेर साहब, भैया शर्मा कर भाग गए, आप भी जाओ। आपका क्या नाम है? रेहान अली। रेहान अली माशाल्लाह, कौन सी क्लास में है? सेकेंड में है। अभी दिए जाए रसगुल्ला। और कभी भी आप कम्हरिया माचा कहीं भी गए हैं, कोई भी और सोचा, तो आपको हर घर में रसगुल्ला जरूर मिलेंगे, मेरी अम्मी कहती है। हिबा हिबा परवेज है कम्हरिया शरीफ के रसगुल्ले। कैसे जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब घर पर है। अच्छा, वो भी जरूरी काम है भाई। जो हमारा मेन काम था वो हमारा हो गया है। भाई आगे हम आपका बजाए बैग है, गिफ्ट वाले डिब्बी डिब्बा है, सिल्वर के बर्तन मिल जाएंगे, कप्स हैं, ये सारी चीजें हैं। आप ये आपका टॉयज है, यहाँ पे खिलौने की बहुत सारी शॉप है, अगर है तो आपको खिलौना। और ये बॉयज की एसेसरीज के लिए आपको चश्मे, घड़ियाँ, हर माल 25 रुपए। अकेले घूम रहे हो क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम। अकेले नहीं घूम सकता। अच्छा, साथ में घूम सकता हूँ। देखती हैं आपको, से देख के बहुत खुशी, बाहर से आई है, हमारी भांजी है। अच्छा, सब बढ़िया बढ़िया। तो अरमान हमारे साथ में है, और अभी अरमान को लेके हम जा रहे हैं आपका झूला झूलने। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अरे बिल्कुल, हाथ हम गले मिलिए। अब मौदाह को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। कौन सा इतर है? बहुत अच्छा है तो भाई, गुलाब वाला मेरे को अच्छा लगा। गुलाब वाला कह रहे 50 रुपया तोला है, तो गुलाब वाला अच्छा। बाकी ये तो दोनों मुझे बहुत हार्ड लगे, इतना हार्ड। नहीं नहीं नहीं, ये वाला लाइट है। नहीं नहीं, अपनी अपनी चॉइस है ना, आपके हिसाब से लाइट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हार्ड है ना वो। ये बात तो आपकी सही है, ये तो चॉइस करने आए थे तब। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। गजब नाचते हो भाई, गजब। और यहाँ बहुत सारा हमारा फोटो शूट हुआ विद माय ऑल द सब्सक्राइबर्स, एंड बहुत प्यार मिला सबसे। सो थैंक यू ऑल द कमरिया पीपल। मेरी आवाज बैठी भाई, ये सारे हमारे पूरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, सारे कुछ हमारे कमरिया से भी है। ये आपका सर्कस में आ गए। वलीमा वाली बाबू मामू के बाद में जो रहा, वो मामू झूला को सब बढ़िया। झूले ही डरिए, गजरत कह रहे टिकट है भाई 60 रुपए का एक टिकट है, हमको चाहिए दो। तो ये हो गए हमारे दो टिकट, मेरा एंड अनमान का प्यारा बिजली वाला झूला जी और मिता जी। हेलो, हाउ आर यू? झूलते हैं बिजली वाला झूला लगाना यार। अरे यहीं से चलना है क्या? तो अब हम झूलने वाले हैं झूला। बाप रे भाई, देख कर मजा आ रहा ना, एक्साइटमेंट। ये ब्रेक डांस से मेरी हालत खराब हो जाती है इस वाले झूले में। फाइनली बैठ गए, और भाई मुझे पूरे झूले में एक ही झूला चले, कोई बिजली वाला, और इसके अलावा और झूले में कोई झूले चक्कर आ जाते हैं। तुम्हारे वीडियो बहुत देखे। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। वो वाले अच्छा रही साहब वाले, नॉर्मल वाले भी देखा करो। नहीं, ये हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गया, मतलब वसूल, मतलब तकरीबन 10 मिनट झुलाया होगा।
जी की हालत पतली हो गई है, घूमते ही वाला झूल गया है। नहीं मेरा का ब्लॉग चालू है। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं पान, हम दिल्ली निकल गए। अर्षा अतीम और आपका आयशा, तो चलो बहुत अच्छा है, अच्छी लगती है हमारे वीडियो, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है ना, अच्छा लगा मुझे आपसे। हाफिज हाफिज। वालेकुम सलाम। खैरियत खैरियत। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ये वाले आदर रायपुर भिलाई में तो है, ये हैं तहबाज भाई हैं हमारे, सरफराज भाई हमारे क्लासमेट, और इनका पेट कुछ ज्यादा निकल आया है। पेट की तारीफ ना कर, कमरिया का मजा ले, मेले का नहीं, मेले का मजा तो ले रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे खाया जा रहा है आपका खाजा, बहुत मीठा है, बहुत लजीज है, ख्वाजा है ये ख्वाजा। अच्छा, ओवर आटिंग इसके 50 रुपए कटेंगे अभी माशाल्लाह से। नाइस, अस्सलाम वालेकुम। उसे फाइट है तकड़ी टाइम पर है। हमारे औसत भाई भी आ गए हैं आपका, और इनको अमृता सफर रसगुल्ले की दावत एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ से खा के आ गए, 8 बजे का उससे पहले आ गए थे, तो आना चाहिए ना। प्रैंक फेल हो गया, मैं मुझे जो है दिखाओ थे माइक दिखाओ, ये प्रैंक करने आए थे मेरे साथ में न्यूज इंडिया। अरे भाई जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ के हम प्रिंसिपल रहे हैं, प्रैंक फेल हो गया। दिस इज स्पेशल फॉर अकबर भाई, वही 10 की मिलती है, बाकी मैंने सस्ते लगवा के 8 रुपए की लगवा ली। अच्छा, मॉल बहुत जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम खा रहे हैं सॉफ्टी, और यह अकेले हो गए। नहीं नहीं, अभी दूसरी आ रही है, सेम रहा था उनको जाने को, उन्हें फ्लेवर बता दे रहे, फ्लेवर ने फ्लेवर बताइए, नहीं ये वाला यार 80 से 60 रुपए की लगा दे, सुनी थी टिश्यू लगा दे, 1 पैसा हमारे राजा भाई। भाई कव्वाली हो रही है और हम जा रहे हैं आपका कव्वाली सुनने। चलिए बहुत बढ़िया। Shine, 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 shine
माशाल्लाह से कव्वाली भी आपकी देख ली यहाँ से निकल रहे हैं। भाई हमने कोशिश करी है कि हम आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको हिस्ट्री से भी रूबरू कराएं और साथ ही साथ आपका मेला कैसा है, कितना भरा है। आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा कम, इंशाल्लाह कल और ज़्यादा होगा। तो बस ये था हमारा पूरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो ऑफकोर्स यार लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आप डेली के व्लॉग ज़रूर देखें। तो फाइनली हम जो आ गए अपने सारे टीम यूथ के साथ में, यूथ ब्रिगेड मौदा एंड ये हमारी पूरी सारी सवारियां, ये हमारे गड्डी भाई बोलू भाई। हम आएंगे तो फाइनली हम पहुंच गए सुरक्षित और अच्छे से। तो बस इस व्लॉग का हम यही पैन करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नए वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब बखैर, अल्लाह हाफिज़।